तो आपने जो तो थमनेल में देखी है लौकी की सब्ज़ी हम उसे बनाने वाले हैं मतलब इतनी इजी है इतनी इंस्टेंट है मतलब बहुत इंस्टेंट है इतनी इंस्टेंट तो मैंने कुछ नहीं देखा होगा ये इतनी इंस्टेंट है तो सिंपली आपको लौकी को कट करना है और दो बड़े टमाटर को कट करना है मेन इसमें टमाटर ये नहीं डालोगे तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला है और फिर मैंने धनिए को भी कट कर लिया था जो कि मैं डालना भूल गई थी अंड में पर ये तो होता रहता है मेरे साथ फिर आपको एक कुकर में क्या करना है थोड़ा सा ऑयल डालना है उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है मतलब इतनी इंस्टेंट है ना ये मेरी मम्मी बनाती थी उनकी रेसिपी को मैंने बनाया है मतलब वो ऐसे बनाती है एकदम झटपट वाली तो और वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि ऐसी लौकी की सबसे आप लोगों ने ना कहीं नहीं खाई होगी मतलब ऐसे बना के देखो आप एक बार मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है और क्या <laughs> बस यहाँ पे आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि जब हम ऑयल में जीरे को थौटे करके इसमें तुरंत आपको टमाटर डाल देना तो क्या थोड़ा झुनझुन हो जाएगा बहुत आपकी गैस और अगर आप यूट्यूबर हो और आप वीडियो बना रहे हो तो तो कैमरे को बचा के रखना <laughs> फिर इसमें मैंने मतलब इसमें जो मसाले डालते हैं ना वो भी बहुत कॉमन है मतलब जो मसालदा में आपके चार मसाले होते हैं ना बस वही डालेंगे और कुछ नहीं डालेगा इसमें नमक मिर्ची धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर दैट्स एड है ना अब इसको मिलाना है आपको बस थोड़े से टमाटर को पकाना है ज़्यादा नहीं पकाना है वो क्योंकि हम सीटी लगाएंगे ना उसमें भी वो काफ़ी अच्छे से पक जाएंगे इसलिए ज़्यादा पकाने की ऐसी झंझट है नहीं है ना फिर इसमें डाल देनी है आपको वही वाली लौकी और फिर आपको उसमें पानी डाल के इसकी सीटी लगानी है और सीटी आपको हाई फ्लेम पे दो लगा देनी है और बस फिर फ्लेम को बंद कर देना और सीटी निकलने का इंतजार करना है और क्या <laughs> है ना पानी अच्छे से मैंने दो गिलास में डाल दिया था क्योंकि मुझे चीज थी एकदम रसेदार वाली क्योंकि जो टेंगी सब्जी और उसका जो रसा होता है ना यार वो बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर आप इसकी मैं आपको कहती हूँ आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको चावल के साथ खा के देखना बहुत अच्छी लगती है सच्ची में बहुत अच्छी लगती है मतलब हम ऐसे ही करते हैं ना यार तो हम करते हैं तो बता दिया <laughs> नहीं करना चाहते हो तो यार कुछ नहीं आप इसको सिंपली आप रोटी के साथ खाओ <laughs> बहुत टेस्टी लगती है मतलब मैं तो सब चीज़ों के साथ खाती हूँ बहुत अच्छा लगता है है ना तो बस मैंने इसमें लौकी को डाल दिया है और बस इसकी दो सीटी लगा देनी है मतलब ये सब्जी को है ना बच्चा बच्चा भी खा सकता है ऐसी ही सब्जी बनने वाली है कुछ पता नहीं पड़ता है कि इसमें लौकी है मतलब वैसे तो पता पड़ ही जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है पर इतनी टेस्टी है ना इतनी टेस्टी मैं कुछ नहीं बता सकती आपको तो यार चैनल पे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ बहुत सारी आती रहती है पूरे एक दिन की एक रेसिपी डलती है बीच में नहीं डल पा रही थी पर अब डालूंगी रेगुलर रहूँगी क्योंकि छुट्टियाँ हैं और सब घर पे है ना वेल बैठे हैं और क्या <laughs> तो एक बार ट्राई करना फिर देख सकते हो यहाँ पे तो फिर ये कम अच्छी दिखती है पर है ना मैं मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी फ्लैश लाइट के अंदर सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी दिखती नहीं जितनी तो सूर्य की रोशनी के सामने लगती है <laughs> तो बस मैंने इसको सेटअप को उतर लिया ही मैं मेरी टेबल पर और बस यार अब देख सकते हो इतनी ज़्यादा अच्छी है इतनी ज़्यादा अच्छी है आपको देखने से अच्छा लग रहा होगा ना तो यही ट्राई करना तो बनता है यार चलो बाय